बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दौर था। आप अपने फैज़ के चश्मे, इल्म के चश्मे आप बांट रहे थे। बाज़ाहिर जो दीनी मदारस थे इतना ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन आज दीनी मदारस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ बेअमीक हैं, लेकिन अखलाकियात नापायद है। उरिया बदन, सर नंगी, तालीम याफ्ता लड़कियां फिर रही हैं। आम का पर्दा होना चाहिए, दिल का होना चाहिए। क्या शरई आकाम अब हम पर नाफिज नहीं रहे? तो इसलिए फिर अनापरस्ती। मैंने नहीं देखा कोई बंदा झुक जाता हो। हर बंदा यही कहता है कि मैं सलाम क्यों करूं, मैं पैर क्यों करूं, मैं सुल्ला में आप क्यों पढ़ाऊं, इसमें तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जो बंदा लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल अल्लाह की तालीमात पर चलेगा, उसमें उज्वन कसार होगा, अच्छा अखलाक होगा, तवाज़ो होगी, हुस्न अखलाक से पेश आएगा, उसे अपने इज्जत करवाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ऐसे लोगों को खुद ही इज्जत अता फरमाता है। मैं कुमार मुझ मांगू कुट, भरे खजाने मौला दे जिमे मर्जी आवी उमर लुट। इस्लाम की बात हर बंदे की जुबान पर है। उलमा भी बात करते हैं, बहुत कम आलिम है जो मुत्तबे शरीयत है। अवाम में भी बहुत इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन अमल नापायद नादारद। तो इसलिए हमें ख्याल करना चाहिए कि उलमा को भी अवाम को भी। हाँ, जो आलिम बामल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में पढ़िए तो उसका चेहरा देखना भी इबादत है। और जो आलिम बामल को मुसाफा करता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेमुसाफती, वो मुझसे मुसाफा करता है। अल्लाह ताला में उलमा का एहतराम करने भी तौफीक दे। उलमा और आमतुन्नास और सब में इनकसारी ज़रूरी है। अखलाकियात का फुकदान हो चुका है। इस्लामी दावे, इस्लामी बातें ज़ुबान पर है, प्रैक्टिकली तौर पर हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए हमारे मुल्क में बस इस्लाम का नाम तो है, इस्लाम नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला में अमल करने की तौफीक दे। सलातुल्लाह का सैयद या रसूल।